हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सॉरी मैं आज कितने दिनों के बाद यहाँ बाहर निकली हूँ, मतलब घर में डिप्रेशन में। एक तो मेरी माँ गुजर गई, उसका प्रेशर, और आप सब जानते हैं आदिल ने मेरे साथ क्या किया, उसका प्रेशर। गाइस, आदिल क्यों मेरे साथ डबल गेम खेल रहा है मुझे नहीं पता। कल वो माफ़ी मांग के घर पे आ गए कि मैं अब कुरान पे कसम खाकर, मेरे पास वीडियो भी है। उसने ये भी कहा कि मैं अभी कभी वो लड़की को नहीं मिलूंगा जिस लड़की का मैं नाम नहीं लेना चाह रही। वापस आ गए, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, मैंने सब भूल गई। अब वो झूठ झूठ बोल रहे हैं कि मैं उस पर हाथ उठाती हूँ। आपको लगता है कहीं से भी जिसकी माँ मर गई हो, जिसकी माँ मर गई हो, उसको वो मोक में रख कर आती है घर में, और घर में आके अपने पति के शरीर पर लव बाइट्स के निशान देखती है, वो लड़की क्या करेगी। ये मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि ये अभी मीडिया में झूठ बोल रहा है कि सलमान भाई की धमकी देती है। मैं सलमान भाई की धमकी कभी नहीं देती मेरे दोस्तों। आज देखो मेरा मुंह पूरा सूजा हुआ है, मेरी ऐसी हालत है, मेरा मुंह सूजा हुआ है मेरे दोस्तों। मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मैं घर बसाना चाहती हूँ। मेरे साथ रितेश ने बुरा किया, लेकिन रितेश ने इतना गंदा कभी नहीं किया था। चिटिंग मेरे साथ किया था उसने, शादीशुदा बच्चा था, मैं नहीं बताया था, मैं उसको माफ कर चुकी। लेकिन एक लड़की की माँ मर गई है, मेरी आवाज देखो, घर में आती हूँ, आदिल का है, आदिल माँ मर गई, आदिल, और आदिल वो लड़की के साथ कहीं और है। जब मैं घर में आती हूँ तो मोड़ी पे लव बर्ड्स देखती हूँ। मुझे ड्रामा क्वीन कहते हो तुम, क्योंकि मैं 20 सालों से इंडस्ट्री में हूं। मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं, मैं मर नहीं रही हूं ये सब देखकर, और मीडिया में आके सच बताती हूं, इसलिए मैं ड्रामा क्वीन हूं। जब उसको मीडिया में आके सब पॉपुलर किया, स्टार बनाया मैंने, तब उसने क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कहा कि मीडिया में क्यों आई। और अभी मैंने सब सच बताया मीडिया में आके कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो मैं ड्रामा क्वीन हो गई, कहां से हो गई। झूठ झूठ बोलता है, सलमान खान का नाम लेता है वो कि मुझे धमकी दे रही है। सलमान खान के पास उतना टाइम नहीं है इस छिछोरे के लिए, सलमान खान बहुत बिजी है। सलमान खान कभी किसी को ऐसा नहीं कहेंगे, वो लेजेंड है। मेरी माँ का ऑपरेशन कराया, मुझ पर दया करी, पैसा दिया मुझे। सलमान खान ऐसे छिछोरे को मुंह भी नहीं लगाएगा। मैंने मिलाया था सलमान खान से एक दिन आईफा अवार्ड में। झूठ बोलता है, मेरे पास वो सारे प्रूफ है। आप एक एक देश की जनता मुझे चप्पल से मारे यहां अगर मैं झूठ बोल रही हूं। अल्लाह अब्बा पिता मुझे एक्सीडेंट करा दे, मेरा मार दे मुझे अगर मैं झूठ बोलूं। मेरा जीसस मुझे मार दे अगर मैं झूठ बोलूं। एक भी चीज मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। जुलम पे जुलम वो मुझ पर करे जा रहा है। एक टाइम पे बोलता मीडिया में जाके बोलो कि मैं वापस घर आ गया हूं, मैंने माफी मांग ली है। मैं जाके बोलती हूं, इतने में वो अपना गलत पोस्ट कर रहा है अपने इंस्टा पे जाके। गलत बात है, एक लड़की को इस्तेमाल करना बंद करो आदिल। तुमने वादा किया कि अब मैं कभी नहीं जाऊंगा और तुम आप ये पोस्ट करते हो, कितना सहूं मैं। मां के अभी गाड़ के आई हूं, 7 दिन भी नहीं हुए। इतना दर्द किसी को ना मिले इस दुनिया में। आदिल प्ले करना बंद करो, इतना ज्यादा सता दोगे ना, मैं तुम्हारे बारे में सारा चिट्ठा खोल दूंगी। तुम कहीं के नहीं रहोगे आदिल, कहीं के नहीं रहोगे आदिल।
तुम एक तरफ मुझे कहते हो मीडिया में जाके मत बोलो, और तुम जाके तुम मीडिया में अपने पोस्ट में गंदगी डालते हो कि मैं तुम्हें मारती हूं, मैं तुम्हारा सब दिखाऊं अभी मीडिया को, कौन किसको मारता है, किसकी लड़की की वो दूसरी लड़की की बात सुन के। आदिल मेरे साथ गेम मत करो, मैं नहीं खोल सकती मेरे दोस्तों अभी पोल, क्योंकि कल वो माफी मांगा है कुरान पे हाथ रखकर कि मैं वो लड़की के पास नहीं जाऊंगा, इसलिए मैंने उसे माफ करके वापस घर बसा लिया है, क्योंकि मैं आदिल को बहुत बेइंतहा प्यार करती हूँ, चाहती हूँ कि वो कभी मेरे से छोड़ के न जाए। ये लोग मेरा खिलवाड़ मेरा इस्तेमाल क्यों करते हैं, हे खुदा क्यों इस्तेमाल करते हैं मेरा ये लोग। दोस्तों मैं आदिल से प्यार करती हूँ, मैं आदिल से प्यार करती हूँ, मैं उसको कभी तलाक नहीं दूंगी, मैं जीते जी मर जाऊंगी, मैं कभी नहीं दूंगी उसे तलाक। वो मुझे दिन रात तलाक की धमकी देता है, कहता है तेरे बाल सफेद हो जाएंगे, लड़कियों को निकालते निकालते मेरी जिंदगी में। सब सच नहीं बता सकती दोस्तों मैं आपको, मेरी मजबूरी है, सच नहीं बता सकती मैं आप लोगों को। मैंने कभी भी सलमान खान की धमकी नहीं दी, कभी भी मेरे सलमान खान ने उनको कभी कुछ नहीं बोला। मेरा भाई ने मेरी माँ के कैंसर के लिए मदद की पैसों की, उसको पूछो राखी के पैसे कहाँ गए, उसको पूछो आप आदिल को राखी के सारे पैसे कहाँ गए, उसको पूछो, उसके पास है जवाब। मत सताओ आदिल एक लड़की को इतना। मैं कभी भी नहीं मीडिया के सामने आना चाहती थी, मेरी मरी हुई माँ की कसम है, मुझे इस दुनिया के खुदा की कसम है मेरी। मैंने कितनी बार उनको मौका दिया, मेरे दोस्तों ने मौका दिया, आदिल छोड़ दो उस लड़की को, आदिल छोड़ दो उस लड़की को, मैंने इतनी बार मौका दिया उनकी आंटी ने, उनके मम्मी डैडी ने, छोड़ दे बेटा उस लड़की को। आदिल ने नहीं छोड़ा, तब जाके मुझे मीडिया में आना पड़ा, मीडिया में आके उसको प्रेशर हुआ, तब जाके उसने कुरान की कसम खा के उसे छोड़ने का वादा किया। मैं गलत नहीं हूं दोस्तों, मैं सिर्फ अपना घर बसाना चाह रही थी। अभी भी मुझे वो कह रहा है कि तुम मुझे जैसे छोड़ोगी, 10 लड़कियां मेरे को पैसा देने के लिए तैयार है, दिल्ली में आगरा में इधर उधर बिजनेस के लिए बुला रही है। तो मैंने कहा जाओ ना, क्यों नहीं जा रहे, जाओ उनको भी बर्बाद करो, मेरे को किया बर्बाद। जैसे तुम गए मैं मीडिया के सामने सारे राज खोलूंगी, क्योंकि मेरा मेरे फैंस के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कैसे जी रही हूं, मैं ही बता सकती हूँ। एक पल सुख नहीं है, एक पल, मेरी जिंदगी को एकदम नरक बना दिया इसने। फिर भी मैं चाहती हूँ, फिर भी मैं फगीव कर रही हूँ, क्योंकि अल्लाह ने खुदा ने कहा कि वो 70 माओं का दिल रखने वाला खुदा है, अपने शोहर को माफ करो और आगे बढ़ो। अगर मैं खुदा की बात सुनकर उनको हर गुनाह उनके माफ करके आगे बढ़ रही हूँ तो मैं कहाँ गलत हूँ, लेकिन वो गलत गलत अपने इंस्टा पे लिखे जा रहे मेरे खिलाफ। मैंने कभी नहीं मारा है, वो अपने कार में बैठ के खुद का हाथ तोड़ते हैं, सर फोड़ते हैं, मेरे नाम का वीडियो बनाते हैं। खुदा की कसम है मैं उनकी कार में बैठना पसंद नहीं करती, डरती हूं मैं, खुद उसमें इतना मेरे को कहते हैं अभी
सब मेरे तो इसको मैं पूरी दुनिया के सामने पागल बनाऊंगा, पागल साबित करूंगा इसको सारी दुनिया के सामने। मैं हमेशा पति का प्यार चाहती हूँ, अपना घर बसाना चाहती हूँ, बच्चे चाहती हूँ। मैंने इसको पहले बोला था मैं तेरे से 7 साल बड़ी हूँ, मेरी जिंदगी में मत आ, लेकिन लालच से आया, मुझे इस्तेमाल करने आया। मैं डिप्रेशन में थी, झूठा झूठा लिखता है सब, अल्लाह का खौफ करो झूठ लिखते हो आप। मैं माफ करने वालों में से हूँ, पति का प्यार, शादी की क्या रिस्पेक्ट मैं जानती हूँ। इसको बोलिए ये झूठ ना बोले। वो सारी लड़कियां जो इसने जिसको लव लेटर भेजे मेरे पति ने, वो सब किया, वो आप लोग आके दुनिया को दिखाओ मुझ में। मैं जब शॉर्ट ड्रेस पहनती हूँ हॉट लगती हूँ, मेरे को सब बंद करवा दिया, और वो लड़की शॉर्ट ड्रेस पहनती है, मुझे मैंने बोला हमारा अभी आज ही बात सुबह हुई के हम वैलेंटाइन मनाएंगे, के क्या नहीं मैं वैलेंटाइन नहीं मनाऊंगा, हराम है। आप सिगरेट पीते हो हराम नहीं है, आप नाजायज संबंध दूसरी लड़कियों के साथ रखते वो हराम नहीं है, आप बहुत सारी ऐसी चीजें करते वो हराम नहीं है। मुझे अभी वो मुझे पे फोन कर रहा है, बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, बहुत ज्यादा। आदिल डोंट टॉर्चर मी, इससे ज्यादा टॉर्चर मत करो, झूठ मत बोलो अपने इंस्टाग्राम पे, झूठ झूठ मत बोलो आदिल, झूठ मत बोलो आदिल। मुझ पे फोन पे फोन कर रहा है कि इंस्टाग्राम बंद कर, लाइव बंद कर, मत सताओ आदिल, इससे ज्यादा मुझे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो मुझे फोन पे फोन कर रहा है, इसीलिए मेरा वीडियो कट रहा है। मैं उसके 10 बार फोन काट चुकी हूँ, वो मुझे लाइव देख रहा है।
वो मुझे, आदिल तुम झूठ बोलोगे मैं तुम्हारा सारा पर्दाफाश कर दूंगी।